हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुक इजी एंड डिलीशियस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेसिपी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम बनाएंगे। ये देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, पीने में उतना ही टेस्टी होता है। बच्चे और बड़े सभी इसी को पसंद करते हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं, तो मैंने इनको अच्छे से वॉश किया था पहले, और फिर मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाएँ। तो इससे क्या होता है, स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इस स्ट्रॉबेरी शेक को मैं नॉर्मल घर की मिक्सी में बनाकर तैयार कर रही हूँ। देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज को कट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी के अंदर ऐड कर देंगे। 1 ग्लास स्ट्रॉबेरी शेक के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो ज़्यादा मीठी नहीं होती हैं, इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर चीनी का ऐड किया है। उसके बाद 2 स्कूप मैंने वनीला आइसक्रीम ऐड की है। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हर्शेस का स्ट्रॉबेरी सिरप। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रॉ ऑब्जर्व जो होता है ना, इसी कलर का होता है, रेड कलर का, वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे ही बहुत अच्छा कलर आता है। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छे से। तो ये देखिए, बहुत ही क्रीमी और लाइट सा स्ट्रॉबेरी शेक बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो मैंने 1 ग्लास लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्लास के चारों ओर स्ट्रॉबेरी सिरप को अच्छे से लगा लेंगे ताकि अच्छे से देखने में बहुत अच्छा सा हमारा ग्लास रेडी हो जाए। अब मैं यहाँ पर आइस ऐड कर रही हूँ, आइस क्यूब्स। उसके बाद हमने जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना क्रीमी है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली थी, मेरे पास थी, तो इसको हम क्या करेंगे, डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड करें, नहीं तो आप स्किप कर दें। उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज काट कर आप इसके ऊपर डेकोर कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर दी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी शेक बनकर तैयार हुआ है। देखने में इतना अमेजिंग लग रहा है, पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।